नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं इस एक नए गार्डनिंग पैक के साथ। ये गार्डनिंग पैक हमने आपके लिए बनाया है इस रिपब्लिक डे के अवसर पर। इस पैक में आप देख सकते हैं कि टोटल 7 प्लांट हैं, जिनमें से कि 4 फ्लावरिंग प्लांट हैं और 3 फॉयलेज प्लांट हैं। हमने ये पैक आपके लिए बनाया है इस तरह से कि आपको फ्लावर्स और फॉयलेज का एक अच्छा मिक्सचर मिल सके, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे आपके घर में फ्लावर्स के साथ। और साथ साथ ये एयर प्यूरिफायर जो प्लांट है, ये आपके घर में एयर प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड करे। और ये पूरा जो पैक है, आप देख सकते हैं कि आपको ये कलरफुल प्लास्टिक पॉट्स में मिलेंगे। और अभी इन पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय। हाय डॉक्टर अक्षय, तो क्या आप हमें इनके बारे में बता सकते हैं कि इन पौधों के बारे में क्या खास बात है और इनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अभी 4 फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूड ओवर जिनको फूड आते हैं वैसे वाले प्लांट है, और कुछ है जिनको हम फॉलिएज या पत्तों वाले जो पौधे होते हैं उनकी तरह से घर में रख सकते हो। ये सारे के सारे प्लांट आप घर के अंदर रख सकते हो, बस आपको कहाँ इसे रखना है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंगोनियम से। सिंगोनियम एक नासा की जो लिस्ट है हमारी, जो एयर प्यूरिफायर प्लांट्स की लिस्ट है, उनमें पाया जगह मिली है इस पौधे को, क्योंकि ये आपके आजू बाजू में हवा को क्लीन करने का काम करेगा, आपके आजू बाजू में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप इसको घर में रखते हो तो आपको एक अच्छी हेल्दी एयर आपके सराउंडिंग रह सकती है, ऐसा नासा की एक स्टडी में जाना गया है। इस पर्टिकुलर सिंगोनियम को की केयर करना बहुत ही आसान है, आपको बस इस पौधे को पानी की लेवल देखनी है। जब कभी भी इसके अंदर, इसके गमले के अंदर जो सॉइल आप जिसमें आपने इसे लगा है, इसको आपको बस छू के देखना है, अगर ये मॉइस्ट है या फिर इसमें पानी आपको लगता है कि अभी है, तो आपको इसको पानी नहीं देना है। जब ये सूख जाए तब इसको पानी देना है। तो मतलब दो पानी देने के बीच में उसमें से जो सॉइल में से वो सूखा हुआ होगा, यही एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इसको रखने के लिए। सिंगोनियम प्लांट की एक खासियत ऐसी है कि इनडायरेक्ट लाइट या आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कि आपने आपके घरों में आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई होती, उसमें भी ये बहुत अच्छे से आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा इंडोर आने वाला पौधा है। उसके बाद हमारे पास है फर्न प्लांट, जो कि बहुत ही दिनों से, बहुत सालों से घरों के अंदर बहुत पुराने जमाने से लगाया जाना वाला, जिसे आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडोर प्लांट्स है। हमारे पास आज जो वैरायटी है इसकी, ये पीले कलर के आप देख सकते हो फर्न है, इसको नेफ्रोलिपिस एक्सकैल्केटा बोलते हैं, और ओरिया इसकी वैरायटी है जिसको गोल्डन फर्न भी कहा जाता है। फर्न के लिए बस आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी इसके आजू बाजू में ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके करने के लिए अगर समर में आपको लगता है कि अभी इसके आजू बाजू में ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, तो आप इसके लीव्स में वाटर से स्प्रे कर सकते हो। विंटर में ज्यादा इसको केयर करने की जरूरत नहीं है, विंटर में वैसे ही आपको ये अच्छे से ग्रो किया जाएगा। ज्यादा पानी मत नहीं देना चाहिए फर्न प्लांट को, इसको तभी पानी देना चाहिए जबकि इसकी सॉइल मिक्स ड्राई हो जाए। जनरली फॉलिएज प्लांट्स के लिए ये एक कॉमन रूल है कि जब कभी भी आपके पॉट में से सॉइल मिक्स ड्राई होना शुरू हो जाता है, तभी आपको पानी देना चाहिए, वरना इसको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर अक्षय, इनके लिए मतलब व्हाट इज द सबसे आइडियल पॉटिंग मिक्स क्या होगा? पॉटिंग मिक्स अगर फॉलिएज की बात करें तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी पॉटिंग मिक्स के लिए। वेल ड्रेनिंग होना चाहिए जिसमें पानी बचा हुआ ना रहे। पानी सारा निकल जाए, लेकिन उसमें ऐसे, उस मिट्टी में ऐसे चीजें होनी चाहिए जो पानी मॉइस्चर को होल्ड कर सके, ताकि इसके रूट्स आसानी से उस पानी को ले सके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हो सकता है। सो वेल ड्रेनिंग सॉइल हमारे पास नर्सरी लाइन में इस तरह की बहुत सारी सॉइल्स है, जैसे कि ऑल पर्पज जनरल पर्पज पॉटिंग सॉइल मिक्स है हमारे पास, और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेट किया गया है परफेक्टली स्पेशली होम गार्डन्स और गार्डनर जो है उनके लिए। तो आगे चलते हैं, हमारे पास अभी आगे है एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट जिसे इम्पेशियंस कहा जाता है, बाल्समेसी फैमिली से ये आता है और इम्पेशियंस इसे कहा जाता है। बहुत सारे इसमें प्लांट्स के टाइप्स आते हैं जो क्लासिकली ग्रोन किए जाते हैं, बट स्पेशली ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड है और कंपेरेटिवली ज्यादा स्टर्दी है घर में ग्रो करने के लिए, आपके गार्डन में ग्रो करने के लिए। ये स्टर्दी है, लेकिन इसको थोड़ी सी केयर देखनी पड़ती है कि इसका वाटरिंग लेवल और इसको ब्राइट लाइट लगती है। अच्छा। तभी दे दीजिए इसको पानी जब इसकी सॉइल मिक्स ड्राई हो जाए, और इसको ब्राइट लाइट में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको और ज्यादा इसको फर्टिलाइजर करना है तो स्प्रिंग में आप इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है, हमारे यहाँ पूजा में यूज के लिए करने जाने वाला बहुत ही एक अच्छा पौधा क्रिसैंथेमम, या इसको शेवंती कहा जाता है जनरली, कॉमन नेम इसका है। ये हमारी क्रिसैंथेमम मोरिफोलिया वैरायटी है। और क्रिसैंथेमम में बस एक बात याद रखनी चाहिए हमें कि विंटर इसको लगता है अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने के लिए, यानी कि कूल सीजन लगता है, तब जाके इसकी थोड़ी ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग फ्लावरिंग रहती है, वरना इसके फूल जल्दी मुरझा जाते हैं या गिर जाते हैं। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिसैंथेमम की केयर में कि कभी भी इसका जो इसकी जो मिट्टी है पॉट के अंदर वो कभी ड्राई ना होने दीजिए ज्यादा टाइम के लिए, इसको हमेशा मॉइस्ट रखिए, तो जाके ये प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेगा और आपको फ्लावरिंग भी बहुत देर तक देता रहेगा। सो ये बहुत ही एक कुछ जनरल टिप्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन प्लांट्स के लिए, जो कि एक परफेक्ट पैक बन सकता है आपके घर में रखने के लिए। सर एक और बात बताइए मुझे, जैसे ये आपने बताया कि ये प्लांट है इनको हमें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, मतलब ज्यादा सनलाइट चाहिए, जबकि ये वाले सारे प्लांट है ये डार्क में अंदर भी रह सकते हैं। मतलब कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए आपको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट तो लगती ही है, एटलीस्ट 3 घंटे मॉर्निंग की सनलाइट इन प्लांट्स के लिए स्पेशली चल जाएगी, और बाकी टाइम में आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में, जहां ब्राइट, जैसे कि आप भाई हम इस जगह पे बैठे हैं यहाँ ब्राइट लाइट है, यहाँ पे ये चल जाएंगे, बट डायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग की 3 घंटे की इसको होती है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, स्पेशली ये जो अभी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू।